मैं आलोक सीतापुरी आ रहा हूँ कवियों की पंचायत में। न्यूज 9 लाइव टीवी पर देखिए कवियों की पंचायत शुक्रवार रात 9 बजे। नमस्कार, मैं नफीस अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी और स्वागत है आप सभी का जुनून कुछ करने का इस खास कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में बात करेंगे यूपी के जनपद सीतापुर की, जहाँ यूपी में एक बार फिर ग्राम पंचायत और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव दहलीज पर है और राजनीतिक पार्टियां दामा कसने लगी हैं, चुनावी चौपाल सजने लगी है, राजनीतिक मोरे फिट होने लगे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे एक जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार की, जो उम्मीदवार ही नहीं बल्कि युवाओं और किसानों के दिल की धड़कन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला पंचायत सदस्य पद हेतु वार्ड संख्या 5 बेटा सकरण जनपद सीतापुर के उम्मीदवार फारूक अहमद की, जो हर इंसान के लिए हमदर्द है, क्योंकि देखिए लगातार जनता के बीच जाकर जनता से मुलाकात करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, फारूक अहमद को जनता अपने दरवाजे पर बुलाकर स्वागत भी करती है। ये वही फारूक अहमद हैं जो गरीबों के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इन्हें लोगों का प्यार मिल रहा है, जो आप न्यूज 9 लाइव टीवी के टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फारूक अहमद के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 9 लाइव टीवी सीतापुर। जुनून कुछ करने का इस कार्यक्रम के मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में फारूक अहमद मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं तो इनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के ये जनता से बात कर रहे हैं और मुखातिब हो रहे हैं। तो आइए अब देर न करते हुए इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले तो फारूक अहमद जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता से मुखातिब हो रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं जी। आपने हमें अपने स्टूडेंट बुलाया और अपनी बात रखने का हमें मौका दिया, इसलिए हम आपके सुझाव हैं, आपके आभारी हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जाते हैं जनता के बीच में। जनता सम्मानित मतदाता जो हमारे वार्ड संख्या 4 और 5 के हैं जी, इनके आदेशानुसार हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया है जी और इनसे हमने ये वादा किया है कि हम इनके सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा गारंटी देंगे जी और बृहद विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे जी। और हमारी कोशिश होगी कि हम जो भी हमसे यहाँ से लेकर शासन तक बन सकेगा, हम अपने संबंधों को, अपने प्रेजेंटेशन को मेंटेन करते हुए कोई भी विकास कार्य और कोई भी सम्मान और स्वाभिमान को लेकर के जनता को शिकायत ना होने पाए, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। अच्छा, जो जब आप चुनाव जीतेंगे और जिला पंचायत सदस्य आप हो जाएंगे तो सबसे पहली आपकी सौगात क्या होगी उस पंचायत के लिए? सबसे पहले हम जो हमारे लोग हैं, जिन जो लोग आज फारूक अहमद बनके प्रत्याशी बनके चुनाव लड़ रहे हैं जी, जो इनकलाब के बाद बुलंद करके हमारे कंधे कंधा जोड़ रहे हैं, उनके सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा की गारंटी देते हुए हम आर्थिक और सामाजिक विकास की तरफ अग्रसर हों, उसके लिए प्रयास करें। जिस तरह से हम तस्वीरें आपकी देख पा रहे हैं, कुछ तस्वीरें हमारे तक आई हैं, हमारे सहयोगी ने भेजी हैं, उन तस्वीरों को हम देख रहे हैं तो उसमें जनता आपको दरवाजे पे बुला रही है, आप खुद जनता के दरवाजे पे जा रहे हैं, तो जनता आपको जो प्यार दे रही है उसे देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा इसलिए है कि हमने जब लोगों के काम किए हैं, गरीबों मजलूमों मजदूरों मजदूरों के कंधे से कंधा इंकलाब जोड़ करके इंकलाब के बाद बुलंद करी है जी, तो हमने वहाँ जात और धर्म नहीं देखा है जी, वहाँ सिर्फ इंसानों को हमने सम्मानित करने का काम किया है, इंसानों की बात करी है और इंसानों को मोबिलाइज करने का काम किया है, इसलिए काफी हद तक लोग जो है वो फारूक अहमद बन करके प्रत्याशी बन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम तो सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ एक चेहरा है। चुनाव जो है वो 50% से ज्यादा लोग प्रत्याशी बनकर के लड़ रहे हैं और पूरा संचालन कर रहे हैं, पूरी इंकलाब के बाद बुलंद करके दम खम के साथ मैदान में खड़े हैं, ये कारण है कि लोग तो उत्साह है और जोश है, उनको हमसे कुछ उम्मीदें हैं जी कि अगर ये चुनाव जीतेंगे कुछ अलग करेंगे जी, तो हमने ये उम्मीद जरूर बना रखी है कि कुछ हम ऐसा करेंगे कि जनपद में आज तक किसी नेता ने न किया हो और जो नेताओं की परिभाषा लोगों के दिमाग में आज तक फीड है उससे अलग रह करके हम कुछ करना चाहते हैं। फारूक अहमद जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि हम जनता के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो इसी बात पे हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आपको राजनीति में आए हुए कितने वर्ष हो चुके हैं, लगभग कितना समय आपको बीत चुका है? करीब 20 साल हो गए हैं हमको, 20 साल तक हमने अपने पूरी सामर्थ्य के साथ और पूरी ताकत के साथ हम
जिसने भी हमें याद किया है, वो जनपद सीतापुर या कहीं का भी किसी भी गरीब मजदूर मजबूर और किसान ने मजदूर ने हमें याद किया है, तो हमने उसके सम्मान के साथ उसके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न होने देने की कोशिश करी, कोई उसके साथ सम्मान और स्वाभिमान का खिलवाड़ न कर पाए। हमने पूरी कोशिश करी उसे सम्मान स्वाभिमान बचाने की कोशिश करी है। इसी का ये नतीजा है कि लोग प्रत्याशी बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं और खुद जो है फारूक अहमद बन गए लोग, और इनकलाब आ गया है, एक आंधी और एक तूफान का माहौल मतदाताओं और कार्यकर्ताओं ने बना दिया है। जब सम्मानित मतदाता और कार्यकर्ता प्रत्याशी बन जाते हैं तो वो इनकलाब आता है, वो आंधी आती है, फिर उसमें कोई रुक नहीं पाता है। अच्छा, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आप जनता के बीच में जाते हैं और ये सेवाएं करते हैं, इसके पीछे असल राज क्या है? इसके पीछे तो हम ये चाह रहे हैं जी, आजकल जितने भी नेता हुए हैं, अधिकांश नेता, सारे नेताओं का तो नहीं करेंगे, अगर कहीं वो एसपी के यहाँ मिलने गए, उनके साथ चार कार्यकर्ता हुए, तो उनसे कहा बाहर बैठिए, हम अंदर से आ रहे हैं जी, हमारी आदत दूसरे टाइप की है। हमारे साथ अगर 10 लोग होते हैं, हम किसी एडीएम से मिले, चाहे किसी सीईओ से मिले, या किसी अधिकारी से मिले, किसी नेता से मिले, हमारी कोशिश रहती है कि हम उनके सारे लोगों का प्रेजेंटेशन करें और उनकी जो छुपी प्रतिभा है, जो उनके अंदर एक इंकलाबी जज्बा है, हम उसको निखारने का काम करें और उनका प्रेजेंटेशन करें कि दोबारा हमें ये फोन न करें। इनकी इनका अंदर इनके अंदर वो फौलाद हम भर देने की कोशिश करते हैं कि ये खुद सक्षम हो, समर्थ हो अपने काम कराने में और अपना प्रेजेंटेशन करने। अब फारूक अहमद जी, एक बात हम आपसे और जानना चाहते हैं कि हमने आपको कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा था कि आप इस पार्टी जो थी डॉक्टर अयूब वाली, उसमें आप जुड़े हुए थे, तो उसमें क्या थे आप, किस पद पर? 2007 में उस पार्टी का मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले जी मैं मोमिन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ। इसके बाद हमें लगा कि डॉक्टर अयूब साहब एक बहुत अच्छा मिशन लेकर के आए हैं जी, गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा करने का मिशन लेके आए हैं जी। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर के और पहली रैली उसकी मऊ में हुई थी, दूसरी उसकी खैराबाद में हुई थी, तीसरी डुमरियागंज में हुई थी, चौथी उतरौला में हुई थी, पांचवी पड़रौना में हुई थी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर में सारी रैलियों का आयोजन करवाने का काम किया था। और पहला टिकट पीस पार्टी का हमने डुमरियागंज से जावेद इनामुल्लाह के चौधरी जावेद सेठ को दिया था, दूसरा टिकट राजेश सिंह को खैराबाद से, तीसरा टिकट दया शंकर पटवा को बस्ती से हमारी पार्टी ने दिया था। मैं उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था और प्रदेश संगठन महासचिव हमारी पोस्ट थी। और 2010 तक हमने उसमें फुल टाइमर काम किया, कोशिश करी है कि हम जिस मिशन में और जिस संगठन में काम कर रहे हैं उसमें मेहनत में कोई कोर कसर न छोड़े जी। तो जो आपका ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है, आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप वार्ड संख्या 4 व 5 से प्रत्याशी हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या आप इस पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम अभी निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये जनता का दल है और जनता की पसंद पे, जनता के आदेश पे हमने यहाँ कदम रखने का काम किया है जी। और हमको किसी पार्टी के किसी बैनर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारे सम्मानित मतदाता और कार्यकर्ता उनके अंदर वो इंकलाब, वो जुनून है, वो कुछ अलग करना चाहते हैं, इसलिए हम किसी पार्टी और किसी बैनर को न लेकर के हम बिना पार्टी के चुनाव लड़ेंगे और जनता की आवाज और जनता की आवाज के साथ आवाज मिलाते हुए हम लोगों को ये पैगाम देंगे 4 नंबर और 5 नंबर वार्ड के लोगों को कि सब मिल के पुकारोगे तो आ जाएगा माजी जी, आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो जी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है अगर इस दौर में कोहराम मचा दो। हम जी जी, जो हमारे लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, जो लोग इंकलाब के बाद बुलंद कर रहे हैं, जो 10 कदम चल रहा है, हम कुछ करें उसके लिए 100 कदम चलने का काम करें। हम ये भी जानते हैं कि इन गरीबों मजलूमों मजबूरों की आवाज उठाने के बदले में हमारे ऊपर हमले भी होंगे जी, हम निशाना भी बनेंगे जी, मगर इसकी परवाह न किए बिना हम जो है ये जानते हैं कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखी जाते जी। और 4 नंबर 5 नंबर वार्ड के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ कंधा कंधा जोड़ करके इनकलाब के बाद बुलंद करने का काम कर रहे हैं, उनके सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे, उनके आर्थिक सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मेंटेन करने का काम करेंगे, और ये उनको पैगाम देंगे कि मेरी आवाज अगर आज दबा दी जो गई, मेरी आवाज अगर आज दबा दी जो गई, मेरी हक गोई गर्म मिट्टी में मिला दी जो गई जी, तो तख्त फांसी पर बेजान बदन बोलेगा और मैं मर भी गया तो मेरा कफन बोलेगा।
अच्छा, आखिरी बात, न्यूज़ नाइन लाइव टीवी के माध्यम से वहाँ की जनता के लिए कोई संदेश? अब जनता के लिए पहले घोषित करना ये बड़ी बात नहीं है, हम 4 नंबर 5 नंबर के साथ साथ पूरे जनपद के लोगों के सम्मान की सुरक्षा गारंटी देंगे जी। और हम कोशिश करेंगे कि कहीं का भी कोई आदमी अगर पीड़ित हमारे पास आता है तो हम उसे कदर कुंधा जोड़ करके हम उनकी समस्या का समाधान करें, और हम किसी का साथ दे करके किसी मदद करके कोई एहसान नहीं कर रहे जी। कर इसलिए रहे हैं कि ये गीता में भी है, कुरान में भी है कि तुम गरीबों की, मजलूमों की, मजबूरों की, जरूरतमंदों की सुनो, मैं तुम्हारी सुनूंगा जी। जो हम लोग मदद कर रहे हैं इसका बदला ईश्वर हमको गैर से देता है, हमको उनसे बदले की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ईश्वर हमको उसका बदला दे रहा है जिनके साथ हम मदद कर रहे हैं, जिनके साथ हम कुर्बानी दे रहे हैं, जिनके साथ हम 2 कदम चल रहे हैं, उसका बदला हमको कई गुना बढ़ा करके ईश्वर हमें दे रहा है जी। न्यूज़ 9 लाइव टीवी के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।